तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लोकेशन के चैप्टर नंबर 526 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शिनगन और शिनतारो की काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है। और शिनगन जिसका एक हाथ कट चुका होता है उसने अपने यूआई मोड को कंट्रोल करना छोड़ दिया होता है, जिस वजह से उसके अंदर का ओनी बाहर आ जाता है यानी कि डीमन। और आज की वीडियो की शुरुआत में हमें सुनाई देती है गैब्रियन किम की वॉइस ओवर। एक यामाज़ाकी की खासियत ये होती है कि वो बिना भेदभाव करे सबको मारता है। खास तौर पे जो यामाज़ाकी ब्लैक आइस के साथ पैदा होता है उसके अंदर ये खासियत होती है। ये बिल्कुल सच बात है, जिस किसी के भी पास ब्लैक आइस बचपन से ही होती है उसकी ताकत एक अलग ही लेवल की होती है। और जिस वक्त ऐसा इंसान अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना छोड़ देता है तो उस वक्त बाहर आता है ओनी। और अभी वो ओनी बाहर आ चुका होता है, साथ ही में शिनगन को काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है उसको मारने के लिए। लेकिन ये सारे बंदे डर से कांप रहे होते हैं क्योंकि इन सबको शिनगन का ऑरा महसूस हो रहा होता है। इन बंदों को पता होता है जैसे ही वो हल्के से हिले उनकी मौत यहाँ पे पक्की है, बट ना हिलने पर भी ये बचने नहीं वाले। हम देखते हैं शिनगन बहुत ही खतरनाक तरीके से एक बंदे के पेट में एक मुक्का मारता है जो कि इस बंदे के पेट को बिल्कुल ऐसे फाड़ देता है जैसे कोई कागज होगा। इसी के साथ काफी सारे बंदे शिनगन के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी औकात नहीं है कि ये शिनगन को कुछ नुकसान पहुंचा सके। शिनगन यहाँ पे इन लोगों के लिए किसी तबाही से कम नहीं होता। जहाँ कुछ बंदे शिनगन से मार खा रहे होते हैं तो कुछ बंदे उससे बच के भाग रहे होते हैं। और इन बंदों के पीछे से वॉइस ओवर आती है, शिनगन एक ऐसी तबाही बन चुका है जिसके साथ लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर ले ये सब कुछ बिना मतलब का है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यार भले ही शिनगन का एक हाथ कट चुका होता है लेकिन उसके बावजूद भी शिनगन ने इन बंदों का बहुत ही गंदा कुत्ता बना रखा होता है। शिनगन अपने एक हाथ से तो इन सबको मार ही रहा होता है, साथ ही साथ में पैरों से इन सबको पिचका भी रहा होता है। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो शिनगन के रूप में इन सबको अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, क्योंकि शिनगन इन सबको मार भी बिल्कुल ऐसे ही रहा होता है जैसे कोई कीड़े होंगे। और ये सब कुछ देख के शायद गन अपनी जिंदगी में पहली बार इतना हैरान हुआ होगा। गन ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी ओनी की असली पावर को देखा होता है, जो ओनी उसके अंदर भी रहता है। बट इतने में ही मेन बंदा यानी कि शिनतारो वो हमला करता है शिनगन के ऊपर अपनी तलवार से, लेकिन शिनगन आराम से पीछे की तरफ हटते हुए इस हमले से बच जाता है। और शिनतारो बहुत ही हैरानी में अपने मन में बोल रहा होता है, या मजाक की शिनगन, उसने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कंट्रोल खो दिया है और अब वो एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। और इस वजह से उसे अपनी ताकत के बारे में नहीं पता कि वो कितनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इसे जल्दी से मारना होगा। भले ही अभी मैं यामाज़ाकी शिनगन से फाइट कर रहा हूँ लेकिन शिनगन का एक हाथ कट चुका है और वो अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है। इसलिए शिनतारो दोबारा से एक और खतरनाक सा हमला करता है शिनगन के ऊपर, लेकिन शिनगन हवा में जंप करके इस हमले से बच जाता है और ये हमला उसके पीछे वाली दीवार को काट के रख देता है। लेकिन शिनतारो को भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। भले ही शिनगन शिनतारो के हमले से बच चुका होता है लेकिन उसके बावजूद भी शिनतारो ने उसके ऊपर कट मार दिया होता है और दोबारा से शिनगन के ऊपर फाइनल अटैक मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन शिनगन शिनतारो के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद शिनतारो के मुंह पे एक लात मार के उसका मुंह फोड़ने वाला होता है, बट शिनतारो अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे साइड हट जाता है। बट इतने में ही शिनतारो के ऊपर एक और खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, लेकिन शिनतारो इस मुक्के से भी बच जाता है बाल बाल। साथ ही साथ में बहुत ही फटी हुई हालत मैं अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता, शिनगन की छाती चीर दी गई है, उसका एक हाथ काट दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी शिनगन बिना डर के चलता हुआ आ रहा होता है शिनतारो के पास उसको मारने के लिए। शिनतारो भी लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, यामाज़ाकी शिनगन, आखिर तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तेरे अंदर का बाप अब जाग रहा है अपने बेटे को बचाने के लिए? क्या तू ये सब कुछ गन को दिखाने के लिए कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी तू और गन एक जैसे हैं, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी आज तुझे मरना होगा शिनगन। और इस समय शिनतारो इस्तेमाल कर रहा होता है योदा मोरामाशा का, यानी कि वही टेक्निक जिससे वो यामाज़ाकी की ब्लैक बोन्स को भी काट सकता है। वैसे शिनतारो भी इतना खतरनाक बंदा होता है कि अगर उसको एक अच्छा मौका मिल गया तो वो शिनगन को टपका सकता है। और उसी अच्छे मौके की तलाश में शिनतारो शिनगन के ऊपर खतरनाक सा हमला करता है, लेकिन शिनगन शिनतारो के ही हाथ में मुक्का मार के उसका हाथ ही तोड़ देता है। जहाँ शिनतारो इस्तेमाल कर रहा होता है योदा मोरामाशा का, वहीं शिनगन ने बिना उसके ही ब्लैक बोन्स को तोड़ दिया होता है अपने मुक्के से ही। लेकिन शिनतारो हार नहीं माना होता, भले उसका हाथ टूट चुका होता है लेकिन इसी के साथ वो हमला करता है शिनगन के ऊपर अपनी तलवार से। और ये हमला शिनगन के कंधे को काटने के लिए काफी होता है, लेकिन तलवार कंधे में लगेगी तभी तो कंधा कटेगा। दरअसल शिनगन तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है और शिनतारो को इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस बंदे
ने इतनी स्पीड में आती हुई तलवार अपने मुंह से पकड़ ली है। बट ऐसी एपिक फाइट में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता। शिंगेन जिनतारो के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और दोबारा से उसके मुंह पे अपनी कोहनियां बचा देता है। अभी शिंतारो को तो कुछ देर के लिए जमीन में बिछा दिया गया होता है, लेकिन नन्हा गन जो ये सब कुछ देख रहा होता है उसकी जान को भी यहाँ पे खतरा होता है, क्योंकि शिंगेन ने अपने ऊपर से अभी कंट्रोल छोड़ दिया है। इसलिए इसके बाद शिंगेन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गन के ऊपर, जो कि गन के पड़ भी जाता, लेकिन शिंगेन इस मुक्के को डाइवर्ट कर देता है जमीन की तरफ। और मुझे पूरा यकीन है कि शिंगेन ने इस मुक्के के डायरेक्शन को अपनी विल पावर की मदद से चेंज करा है, लेकिन बार बार अपने जैसे मॉन्स्टर को रोकना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए शिंगेन बहुत ही डेडली वाइब्स के साथ गन को कहता है, अगली बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं, मुझे यकीन है। मैंने तुझे कहा था यहाँ से भाग जा, क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी थी? गन कहता है, क्या आपने जानबूझ के मिस करा है? शिंगेन कहता है, ये सब कुछ जानना तेरे मतलब की बात नहीं है, ये सारी बातें अतीत में ही रह जानी चाहिए। लेकिन इतने में ही पीछे से शिंतारो शिंगेन की गर्दन से तलवार को आर पार कर देता है और इस तरीके का हमला बर्दाश्त करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद शिंतारो कहता है, बेवकूफ कहीं के, तूने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया था। और आपको बता दूं, वैसे शिंतारो भी खड़ा उठने की हालत में नहीं होता। शिंतारो भी अपनी विल पावर के दम पे जैसे तैसे उठ के ये हमला कर पाया होता है और गन जैसे ही देखता है कि शिंगेन का गला चीर दिया गया है तो गन भागता हुआ शिंगेन की मदद करने के लिए आ रहा होता है। बट इतने में ही जो अगल बगल के बंदे होते हैं वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए शिंगेन के ऊपर काफी सारे हमले कर देते हैं तलवारों से और कहते हैं, मॉन्स्टर कहीं के, भगवान के लिए मर जा, हमें पता चल चुका है तू एक राक्षस है, तुझे अब मर जाना चाहिए। यामाजाकी शिंगेन, तुझे यामाजाकी के लिए मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सर शिंतारो ही हमारे हेड बनेंगे। और यार मानना पड़ेगा, इतने सारे हमलों के बावजूद भी ये बंदा अब भी खड़ा होता है और इसी चीज की वजह से ये बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट में शिंगेन से ज्यादा पावरफुल लोकेशन में कोई भी नहीं है। भले ही शिंगेन की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि शिंगेन की सिचुएशन अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ धोखे हुए हैं, उसके साथ एक सही तरीके की फाइट नहीं हुई है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि शिंतारो की कोई औकात है कि वो शिंगेन को हरा सके। अभी इतने सारे जानलेवा जख्मों को खाने के बाद फाइनली शिंगेन अपने मन में कहता है, मेरी आंखें बंद हो रही है, लेकिन अगर मेरा अंत इस तरीके से होगा तो ये काफी बुरी बात होगी। भले ही मेरा अंत आज इस तरीके से यहाँ पे हो जाए, लेकिन तुम्हारा नहीं होने दूंगा। और शिंगेन जब ये सारी बातें सोच रहा होता है तब भी उसके ऊपर तलवारें मारी जा रही होती हैं। एक बंदे ने शिंगेन के पेट में भी कटानों को आर पार कर दिया होता है और शरीर में तो उसके इतने कट्स लगे होते हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बट उसके बावजूद भी शिंगेन यहाँ पे गन को बचाना चाहता है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शिंगेन इन बंदों के मुक्के मार के इनको हवा में उड़ा देता है। इसलिए ये बंदे समझ जाते हैं कि अगर ये अब भी शिंगेन के पास जाएंगे तो शिंगेन इनको फाड़ के रख देगा। इसीलिए दूसरी तरफ में से एक शाना बंदा अपने बंदों को कहता है, मेरी बात सुनो, कोई भी उसके पास मत जाओ, सबके सब अपनी कटानास उसकी तरफ फेंको। भले ही उसके पास ब्लैक बोन्स है, लेकिन उसके शरीर में कोई तो कमजोर हिस्सा होगा, सारे के सारे जल्दी से अपनी कटानास उसकी तरफ फेंको। इसी के साथ 500-600 कटानास उड़ती हुई आ रही होती है शिंगेन की तरफ बहुत ही स्पीड में, और ये बंदा उसके बावजूद भी चौड़े में खड़ा होता है और साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, आज पहली बार और आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार दिखा रहा हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा, और माफ करना मैं तुम्हें एक नाम नहीं दे पाया। इसी के साथ शिंगेन गन का हाथ पकड़ के उसको इन तलवारों से दूर फेंक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो यहाँ पे गन भी मारा जाता। और अभी शिंगेन के शरीर में तलवारें ही तलवारें घुप चुकी होती हैं। और ये वाला सीन देख के मुझे याद आ गई है भीष्म पितामह की, जो कि एक ऐसे इंसान थे जिनका यहाँ पे कंपैरिजन भी करना उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन बागटेजुन ने शिंगेन का ये वाला सीन काफी ज्यादा खतरनाक दिखा रखा है। अभी शिंगेन पूरी तरीके से मर चुका होता है, बट मरते मरते भी इस लेजेंड के फेस पे एक स्माइल होती है, यानी कि लोकिज्म के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये न्यूज पूरे के पूरे जापान में फैल चुकी होती है कि यामाजाकी शिंगेन मर चुका है। साथ ही साथ में न्यूज में ये भी आया होता है कि शिंगेन का बेटा लापता है, और यही न्यूज अभी गन भी पढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या शिंगेन मर चुके हैं? क्या उन्होंने जो कुछ भी करा वो मेरे लिए करा? लेकिन शिंगेन को उस तरीके से मरने की कोई भी जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो वो वहाँ पे अपनी जान बचा सकते थे। मुझे पूरा यकीन है कि शिंगेन ने अपनी मौत जानबूझ के चुनी थी, लेकिन आखिर मेरे अंदर ये फीलिंग किस तरीके की आ रही है? ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में मैंने कभी सीखा ही नहीं है, यानी कि गन फील कर रहा होता है सैडनेस। अभी हम देखते हैं शहर में बारिश हो रही होती है और दो बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, जब शिंगेन मर चुका है इसका मतलब वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था।
सब कहते थे कि टोरा ओनी महान है, लेकिन तलवार के हमले से ही वो मर चुका है। लेकिन गन से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ऐसे कीड़े उसके बाप के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। आज उसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, इसलिए गन इन दोनों को जमीन में गिरा के इनका कुत्ता बना देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे यामाज़ाकी के और भी काफी सारे बंदे पहुँच जाते हैं और गन इन सबको देख के कहता है, तो तुम सब यहाँ पे शिंतारो के कहने पे आए हो मुझे जान से मारने के लिए। लेकिन यामाज़ाकी का एक बंदा कहता है, अच्छा हुआ कि पहले तुम हमें मिल गए। गन मेरे पीछे आओ, पार्क सोमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद गन जब पार्क सोमी यानी कि अपनी मदर के पास पहुँचता है तो पार्क सोमी कहती है, गन काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। गन कहता है, मैंने सुना कि तुम अब शिंतारो की वाइफ हो। लेकिन एक बंदा गन को एक कार्ड देता है और कहता है, गन ये लो, इसे अपने पास रख लो, ये एक स्मगलिंग ब्रोकर का कार्ड है। इसकी मदद से तुम जापान को छोड़ के यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम जापान में रहे तो यामाज़ाकी तुम्हें जान से मार देंगे। और इसी वजह से गन अपनी मदर को कहता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। सोमी कहती है, मैं भी ये बात समझना चाहती हूँ कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, और जब तक मैं ये बात जान पाऊँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तब तक तुम कोरिया चले जाओ। मैंने जो कुछ भी करा है, मेरे जितने भी पछतावे हैं, मैं उस वक्त के लिए बचा के रखती हूँ। पछतावा करने का मेरे पास सही वक्त आएगा। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गन स्मगलर्स की बोट में चढ़ के पहुँच चुका होता है कोरिया, और समुद्र के किनारे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है बोट के बगल में। और बोट में जो बंदे होते हैं वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई बच्चा पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस। इसलिए एक बंदा गन के पास आता है और कहता है, ओए बच्चे उठ जा, बॉस लगता है उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। हाँ देखो, तूने बिल्कुल सही कहा, और सच में इस बच्चे के पास ब्लैक आईज हैं। बच्चे ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, लगता है तेरे और मेरे बीच का कनेक्शन काफी ज्यादा कमाल का है। बच्चे क्या तू यामाज़ाकी परिवार से बिलोंग करता है? और ऑब्वियसली ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है लेजेंडरी गैब्रियन किन। मतलब यार ये वाला चैप्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। ये वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया है, क्योंकि इसमें हमें काफी सारी बातें जानने को मिली है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गन जब पहली बार कोरिया आया होगा तो वो सबसे पहले गैब्रियन किन से मिला होगा। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस वाले चैनल पे एक आधी स्ट्राइक पड़ी हुई है, मतलब बहुत पहले से।